हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो आपको बताना है कि सिंपल गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली बात करेंगे, कुछ खास डिस्कशन नहीं रहेगा। मुद्दे की बात रही ये है कि आपके पास एक वो सिस्टम बना के देगा, एक सिस्टम स्टेट मॉडल लिखेगा। ठीक है, स्टेट मॉडल लिखेगा और आपसे बोलेगा कि बताओ ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल है या नहीं और कंट्रोलेबल है या नहीं। तो आपने क्या करना है, जो आपको स्टेट स्पेस मॉडल देगा, तो वहाँ पे स्टेट स्पेस मॉडल देने का मतलब है कि आपसे ए बी सी आपको मैट्रिक्स गिवन होएंगी। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, एक कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स बनानी है जिसको हमने नाम दिया ए सी। वो कैसे बनेगी, बी मैट्रिक्स आपको गिवन होएगी, बी यहाँ पर लिखना। ठीक है, फिर आप क्या करना, ए और बी को मल्टीप्लाई करना। ए और बी को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, एक कॉलम बनेगा, वो कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। फिर ए स्केयर बी सोल्व करना, एक कॉलम बनेगा यहाँ पे, सोल्व यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करते जाना है। सपोज आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स आया, मतलब ये डिपेंड करेगा कब तक करना है। तो आपके पास मान लो 2x2 का ए मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करे, ए मैट्रिक्स अगर वो सेकेंड ऑर्डर की है, 2x2 की है, तो सिर्फ दो कॉलम बहुत है। अगर वो 3x3 की है तो तीन कॉलम आएंगे, अगर वो 4x4 के तो चार आएंगे। मैक्सिमम जो गेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3x3 में थर्ड ऑर्डर का पूछा जाएगा। थर्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके पास ए बी ए बी ए स्केयर बी, बस इससे ज़्यादा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने एक मैट्रिक्स बना लेनी है, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आया तो आपका सिस्टम रहेगा कंट्रोलेबल। अब आते बात ऑब्जर्वेबिलिटी की। सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स बनानी है, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो ये कैसे रहेगी, आपको सी गिवन होएगा और आपको पता है सी एक क्या होता है, रो 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 मैट्रिक्स होती है सी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने सी ए फाइंड आउट करना है, जो भी एलिमेंट आएंगे यहाँ पे डाल देना, फिर सी ए स्केयर जो भी एलिमेंट आएंगे यहाँ पे डाल देना। तो ऐसे एक मैट्रिक्स बनती जाएगी। फिर से वही बात, अगर ऑर्डर सपोज 2x2 का है तो सिर्फ दो 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 रोज आएंगी, और अगर आपके पास 3x3 का ए मैट्रिक्स तो तीन रोज आ जाएंगी, उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो आपने एक मैट्रिक्स बना ली, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल ना आया तो आपका सिस्टम क्या रहेगा, ऑब्जर्वेबल रहेगा। और अगर आपका इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं रहेगी। डन, अभी गेट का क्वेश्चन। तो ये कंडीशंस, आपको कंडीशन आनी चाहिए। अभी ये क्वेश्चन है गेट का, दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन करना है। तो सपोज ये 2016 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे एक सिस्टम आपको दे रखा है, तो जनरली वो ए बी सी मैट्रिक्स आपको लिख के देगा। बट ठीक है, अगर नहीं दी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम बना लेंगे। तो ये अब बहुत अच्छे से हमें यहाँ से लिखना आता है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, तो आप बताओ ए मैट्रिक्स क्या रहेगी। ए मैट्रिक्स वो रहेगी, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, -2। ठीक है, x1 का कोफिशियंट आएगा, x2 का कोफिशियंट नहीं आएगा, 0। ये आप पिछली वीडियोस देख लेना तो आपको आइडिया लगेगा डायरेक्टली कैसे चल रहा काम। दूसरा, यहाँ से डबल डेरिवेटिव में x1 वाला कंपोनेंट नहीं है, x2 वाला है लेकिन -1 के साथ। और बी मैट्रिक्स डायरेक्टली लिख दो यहाँ से, बी मैट्रिक्स आप देख रहे हो फर्स्ट वाले के अंदर 3 है यू के साथ, और सेकंड वाले के अंदर यू के साथ 1 है। ये बी मैट्रिक्स आ गई यहाँ से 3,1। और ऐसे आप डायरेक्टली सी मैट्रिक्स लिख सकते हो। कैसे, सी मैट्रिक्स देखो यहाँ पे सिर्फ 1 वाला कंपोनेंट है तो 1,0। ये कैसा आइडिया लगा 1,0, क्योंकि दो ही वेरिएबल है। अब आपके पास ए बी सी मैट्रिक्स अवेलेबल है तो हमें बनानी है कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स का क्या रहेगा, फर्स्ट ये बी, बी को एज इट इज लिख दो। ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, बी आएगा, बी कितना है 3,1। नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो कौन बताएगा, ए बी। आप क्या करो, ए बी को सोल्व करो, ये ए रहा ये बी रहा, सोल्व कर दो, देखो कितना आएगा, ये कितना बन गया -6। ठीक है, -6 आ गया, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, -1। तो ये बन गया आपके पास कौन सी, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। बस अगर 3x3 का होता ना तो एक हो रहा जाता, एक कॉलम हो रहा जाता, इतनी सी बात है। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो आप देख रहे हो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखो -3 -3 -6 नहीं -3 +6 कितना आ जाएगा, +6, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो भी आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये कंट्रोलेबल है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, कंट्रोलेबल। ठीक है, कंट्रोलेबल, ओके कंट्रोलेबल है। ये नीचे ऑप्शन दे, कंट्रोलेबल है, ऑब्जर्वेबल है, कंट्रोलेबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल है, ऐसे चार ऑप्शन थे, तो कंट्रोलेबल है। अभी बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी की। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स बनाएंगे, ये वाली ए ए क्या मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए नॉट, ठीक है, मतलब ए ओ, तो क्या आएगा सी, सी क्या है आपके पास 1,0, तो डायरेक्टली रो की फॉर्म में लिखना आपने, सी 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 लिख दिया। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है सी ए, सी ए रहा ए ये रहा, कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख देता हूँ ए, ए कितना है -2,0, ठीक है 0 -1। तो आप बताओ सी ए कितना आएगा, देखो
जब मैं इसको इसके साथ करूँगा तो कितना आएगा -2, ठीक है। जब मैं इसको इसके साथ करूँगा -2, और जब मैं इसको इसके साथ करूँगा तो कितना आंसर आएगा 0। तो आप बता सकते हो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। अरे यार सीधा ही कॉलम 0 तो कितना आएगा 0। इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है। डन। तो इस तरीके से आपने ये मैट्रिक्स बनानी है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, 2014 गेट में पूछा गया 2 मार्क्स का। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली एबीसी मैट्रिक्स आपको गिवन थी। सीधा क्वेश्चन है, कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है और ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करनी है। तो कंट्रोलेबिलिटी पहले मैं चेक करूँगा, उसके लिए मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी एसी। वो क्या आएगी आपको पता होगा, बी ए बी, ठीक है, बी ए बी ए स्केयर बी। यहाँ पे 3 क्यों लिखा मैंने, 3 क्यों लिखे, क्योंकि आप देख रहे हो आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, बी बी लिख दो। बी कितने, देखो सिंपल, बी तो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है वहाँ से, कितने 0, 4, 0। ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करो ज़रा, क्या आएगा देखो। जब मैं इसको इससे करूँगा कितना बना 4, जब मैं इसको इससे करूँगा -4, समझ रहे हो। जब मैंने इसको इससे किया तो 4 आया, जब मैंने इसको इससे किया तो -4 आया, और जब मैं इसको इससे करूँगा तो 0 आएगा। ओके, अब ए स्केयर बी, पहले तो ए का स्केयर फाइंड आउट कर दो कि आपके पास मैट्रिक्स है, इसका स्केयर बताओ कितना आएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्केयर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कर लेते एक बार, ए स्केयर, ए स्केयर का मतलब है कि ए को ही आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ए मैट्रिक्स लिख लेते हो यहाँ पे पहले, -1, 1, 0। एक सेकेंड इसको बंद कर लेता हूँ, टाइप लगेगा नहीं तो। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ से ए स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो ये ए स्केयर आ गया। बट आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ए स्केयर बी, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं ए स्केयर को बी से मल्टीप्लाई करूँगा, बी कितना है यहाँ पे, 0, 4, 0। तो कर दो मल्टीप्लाई, देखो। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा -8, ठीक है, -8 आ गया। ये कितना आ गया, 4, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट आ जाएगा ज़ीरो। तो ये जो मैट्रिक्स आई इसका आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा कि नहीं। तो आप चेक करो एक बार इसका डिटर्मिनेंट, आप देख रहे हो कि तीनों एलिमेंट 0 बन गए। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एसी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ये सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं है। अभी बात कर लेते हैं किसकी, ऑब्जर्वेबिलिटी की। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए आपको पता है क्या मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग, क्या मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ठीक है, यहीं पे इसके नहीं, इधर सोल्व कर देता हूँ, इधर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको पता है क्या मैट्रिक्स बनेगी ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए, ए नॉट इज इक्वल टू, सबसे पहले होता है उसमें सी, सी तो पता ही हमें, फिर नेक्स्ट होता है ए सी। अब आप क्या करो, ए को सी से करो मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी सी ए, एक होता है सी, सी ए सी स्केयर, सी ए स्केयर। तो सी मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे 1, 1, 1, ठीक है, ये मैंने सी मैट्रिक्स लिखी। तो सी ए जब मैं फाइंड आउट करूँगा सी ए, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप देख रहे हो क्या आंसर आएगा, -1, ठीक है, -1, 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2, समझ रहे हो। और ये हमने क्या किया, ये सी ए लिख दिया, नेक्स्ट क्या था, सी ए स्केयर, ठीक है, आपको याद है ना, ये सी था, ये सी ए था, और अगला क्या था, सी ए का स्केयर था। तो सी ए स्केयर मतलब ए स्केयर हमारे पास अवेलेबल है, ये ए स्केयर रहा है यहाँ से, हमने अभी निकाला था, इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1, 1, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सी ए स्केयर क्या आएगा, 1, 1, 1 मल्टीप्लाई, मतलब ऐड करना है इनको सभी को, इसको ऐड करोगे 1 आएगा, इनको ऐड करोगे -1 आएगा, और इसको ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो ज़रा, ये जो मैट्रिक्स है ना आपके पास, ये ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ 1, यहाँ से एक्सपेंड करें R1 से, तो 1, तो ये छोड़ दे कितना आ गया 0, ये बन जाएगा -2, ओके, फिर -1 टाइम्स, ये छोड़ दे कितना बन गया -4, ठीक है, -4, +2, और फाइनली +1, ये छोड़ दे कितना आ गया यहाँ से, ये कितना बन गया 1। तो देख लो कितना बन रहा है, ये बन रहा है -2, और ये कितना बन गया +2, +1, समझ रहे हो। तो ये आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, आप देख रहे हो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा इसका मतलब ये ऑब्जर्वेबल तो है लेकिन कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करना है। आपको सिर्फ ये मैट्रिक्स बनाना है बस, बी ए बी ए स्केयर बी, और ऐसे ही आपके पास सी सी ए सी ए स्केयर, वो मैट्रिक्स बनानी है। अगर वो मैट्रिक्स आप बना रहे हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो इसके अंदर कॉलम वाइज आएंगे, इसके अंदर रो वाइज आएंगे, तो जो भी मैट्रिक्स बनेंगे उनके डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ऑब्जर्वेबल है या फिर नहीं है, या फिर सेम कंट्रोलेबल है कि नहीं है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना।
अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कंट्रोल सिस्टम का तो ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है तो ये आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कोर्स, तो आप प्लीज़ सभी जो भी आपके नॉन के अंदर जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।